हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ हैक्स बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरे हैक्स पसंद आए, प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में मुझे शेयर करिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोकोनट ऑयल लेंगे और कॉटन लेंगे, इसमें हम तेल डालेंगे। उसके बाद अपने मेकअप को पूरा रिमूव करेंगे। एक चम्मच बेसन लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे और एक चम्मच दही लेंगे। तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छा सा फेस वॉश बन गया है, इसे हम फेस वॉश करेंगे। क्लिंजिंग भी ये हमारा बन गया है और क्लीनअप भी हम इससे करेंगे। पहले अच्छे से लगाएंगे फेस पे, उसके बाद हम इसको अच्छे से 5 मिनट का मसाज देंगे। तो ये हमारा स्क्रब का भी काम कर दिया, प्लस उसके साथ साथ क्लिंजिंग का भी काम करेगा। हमारे चेहरे से पूरे डस्ट को भी हटा देगा, मेकअप को भी हटाएगा। जिनको बेसन सूट नहीं करता वो चावल का आटा ले सकते हैं, गेहूँ का आटा ले सकते हैं। जिनको दही सूट नहीं करती वो दूध ले सकते हैं कच्चा। मेरे फेस को देखिए फ्रेंड्स, कितना क्लीन दिख रहा है। अब हम कॉफ़ी लेंगे, कोई सी भी कॉफ़ी आप लीजिए। जो बेसन का पेस्ट बचा है उसमें हम मिक्स करेंगे। अब हम इसको पैक के जैसे इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पे। अब इसको 20 मिनट वेट करेंगे सूखने का हम। मैं पहले इसको वॉश नहीं करूँगी, आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। एक टॉवल से पोंछ के आप खुद देखो इसका रिज़ल्ट। फ्रेंड्स, मैं हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ इस पैक को। आप भी करिए हफ्ते में एक बार, फिर इसका रिज़ल्ट देखिए आप।
इसके बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाइए, मेरे पास निविया का मॉइस्चराइज़र है, निविया का मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, आपके पास जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरे किसी भी हैक्स पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में मुझे शेयर करिए। थैंक यू।